महिला दिवस पर हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो एक बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है। और यही वजह है कि ये खूबसूरत तस्वीर, ये खूबसूरत जो शब्द है जिसे हम कहते हैं कि माँ है, बहन है, बेटी है, महिला दिवस, महिला शक्ति, जो कहा जा सकता है कि एक स्वरूप है। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा महिला दिवस पर क्या खास है। आप ये पेंटिंग देखिए, ये इमेजिनेशन देखिए, मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे आपको एक कमरे में तमाम अलग अलग स्टेट से आई महिलाएं दिखेंगी जो इस पेंटिंग के माध्यम से, जो क्रिएशन के माध्यम से अपने उस कला को दिखा रही हैं, बता रही हैं। और ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर देखिए आपने, ये उड़ीसा की एक जो ट्राइबल है वो एक तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। ये एक तस्वीर देखिए, इसको आप समझिए, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो देश के अलग अलग हिस्से से आकर यहाँ एक तस्वीरों के माध्यम से अपनी एक बात रखना चाह रही हैं। मैं सबसे पहले इधर ही आना चाहता हूँ क्योंकि ये अलग लग रहा है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सारिका बाला मिश्रा। आप कहाँ से हैं? मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कानपुर में, आचार्य देव। क्या महिला दिवस के रूप में देश में मनाया जाता है, आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या ये क्रिएटिविटी है? मैं अपने स्टाइल में यहाँ पे काम कर रही हूँ लाइनिंग वर्क में, और मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जो जितनी भी नारियाँ हैं उन सब में देवी के समान ही शक्ति होती है, उनको पहचानने की ज़रूरत होती है। और मैंने इसमें कैलोग्राफी की है कि जहाँ पे नारी पूजी जाती है वहीं पे देवता रमते हैं। और दूसरा ये कि या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेण संहिता, मतलब देवी के समान शक्ति सभी नारी होती है, बस पहचानने की ज़रूरत है। देवी के समान शक्ति, ये तस्वीर देखिए, मैं जिस तस्वीर की पहले बात कर रहा था, ये मन में क्या आया बनाने के लिए इसको? सर मुझे एक तो ये अच्छे लगते हैं, मैंने और भी टॉपिक पे काम किया है, लैंडस्केप वगैरह या मॉडर्न आर्ट, मेरा किसी में मन नहीं लगा। जब मैंने ये ट्राइबल देखा तो मुझे इसको बनाने के लिए मन किया कि मैं इसको बनाऊँ, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला गया। मैं एक और कोशिश करता हूँ, ये आप क्या बना रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या है महिला दिवस और महिलाओं की क्रिएटिविटी, आपके मन में क्या आया ये बनाने में? ये मैंने टेक्सचर्स में प्ले करती हूँ। हाँ। तो मेरा नाम डॉक्टर ममता बंसल है, आगरा से आई हूँ उत्तर प्रदेश से, और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ पिछले 20 सालों से। तो ये है, मैंने टेक्सचर्स दिखाए सब, मैं टेक्सचर्स में प्ले करती हूँ और मोनूमेंट्स को दिखाया है, क्यों मुगल एंड हिंदू मॉन्यूमेंट को साथ साथ क्रिएट किया है कि जो आजकल जो इतनी कंट्रोवर्सी सब हो गई है, ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सब अलग अलग करे हुए हैं, तो मैंने साथ साथ अपनी पेंटिंग में करा है कि सब एक ही हैं, सब ईश्वर के बच्चे हैं। ये कहा जा सकता है कि खूबसूरत इमेज है, खूबसूरत तस्वीर है और खूबसूरत सोच भी है। मैं एक तस्वीर और भी दिखाना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये क्या प्रेजेंट किया है आपने। और महिला दिवस के रूप में हर किसी की सोच अलग कहती है, माँ शक्ति का स्वरूप भी कहते हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, ये क्या आपने दिखाया है? मैंने इसमें जो है इंसान को जानवरों के साथ कोरिलेट किया है, जिसमें एक फीमेल को भी मैंने नीचे दिया है एक फेस हल्का सा, और ये मेल, ठीक है, और ये मैंने जानवरों को उसके साथ कोरिलेट किया है कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस में हो जा रहे हैं, एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उससे अच्छे जानवर हमारी लाइफ जी रहे हैं कि उनके पास इतना टेंशन नहीं है, ना भाग दौड़ है, ठीक है, और वो हमेशा रहा है कि वो हमसे अच्छी लाइफ जिए हैं। मैं एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप क्या बना रहे हैं और आप कहाँ से हैं? मैं चित्रकार डॉक्टर नीता युविंद्र पहाड़िया, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। मेरा जन्म लाहार बहुत छोटी जगह में हुआ है, जिला भिंड, जो बहुत ही खतरनाक एरिया है, जहाँ महिलाओं की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब तो फिर भी बहुत सरकार काम कर रही है तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर आज से करीब 35 साल पहले कुछ भी ऐसा, लड़कियों के लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ भी है। तो आप इमेज में क्या दिखाना चाह रहे हैं? इस इमेज में मैंने ये बताया है कि मतलब महिला को हमेशा सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। आजकल कोरोना का टाइम हुआ है तो बड़ी जो निराशा दुखियारी है वो नहीं, मैंने कहा अरे चलो सब छोड़ो, ये कह रही है काहे का रोना, कैसा कोरोना, अरे आगे बढ़ो ना,
ये चीज़ है। ये खूबसूरत तस्वीर और जो तमाम जो खूबसूरत बातें आप देख रहे हैं, इन पेंटिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि महिला दिवस और महिलाएं जो देवी शक्ति का रूप है, माँ है, बेटी है, जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं। मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा, क्योंकि ये तमाम जो महिलाएं हैं ये अलग अलग स्टेट से यहाँ दिल्ली पहुँची हैं और अपनी पेंटिंग के माध्यम से अपनी बातें बताना चाहती हैं और बता भी रही हैं। कुछ तस्वीरें और भी हैं जो थोड़ा अलग हैं, मैं ये भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी देखिए आप, ये तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि जिस तरीके से ये महिलाओं की जिस तरीके से कोशिश है, एक सोच है कि किस तरीके से वो क्या सोचती हैं, वो यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आगे भी आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से ये अपने आप में थोड़ी अलग तस्वीर है, जिसे कहा जा सकता है कि थोड़ा अलग है। ये भी बताया जा रहा है कि गाज़ियाबाद से आई हैं, उन्होंने ये बनाया है और हर तरीके से तस्वीरें कुछ कहती हैं। ये देखिए यहाँ पे भी। आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से हूँ। क्या बनाया आपने? वुमेन्स विद नेचर। महिला जिस तरीके से बता रहे हैं कि वुमेन्स विद नेचर, ये तस्वीरें हैं। मैं कुछ और ख़ास तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके की क्रिएटिविटी है। ये देखिए, ये क्या बना रहे हैं आप और कहाँ से हैं आप? सर, मैं कुसुम पांडे, मैं नैनीताल उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और मैं एक्चुअली, हमारा जो उत्तराखंड है वो नेचर के लिए और उसके कल्चर के लिए बहुत फेमस है। और मैंने जो काम लिया किया है अभी, मेरे सब्जेक्ट में आप मोनाल पक्षी देखेंगे जो हमारा स्टेट बर्ड भी है। और मोनाल हिमालयन एरिया में बहुत टफ एरिया में सर्वाइव करता है। तो मैंने भी जो वुमेन को दिखाया, मदर नेचर मैंने इसको टाइटल दिया है। तो जो वुमेन है पहाड़ों की, वो भी बहुत स्ट्रगल करती है और बहुत ब्यूटीफुली नेचर को, ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को आगे लेके जाती है। तो मोनाल, इसलिए मैंने फेस मोनाल का दिया है, जो बहुत सुंदर भी है। आई थिंक सबसे सुंदर वर्ड है मोनाल, और बहुत सुंदर ढंग से वो अपने चीज़ों को प्रेजेंट करती है। तो इसलिए मैंने वहाँ, आप देखेंगे हमारे पहाड़ का जितना भी कल्चर है, इवन हमारे जो हाउसेज हैं, वो सब मैंने बनाने की कोशिश की है। ये सोच है, कल्चर है और एक इमेज है जो बनाने की कोशिश की गई है। मैं एक तस्वीर और दिखाऊँ, थोड़ा सा डार्क जरूर है लेकिन कुछ अलग है। क्या है ये? अपने सेल्फ के बारे में ही बताया है। हाँ। मेरी अंदर की जो भी भावनाएं है, मैं उसको अपने कैनवास पे क्रिएट कर रही हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीर, ये सेल्फ से क्रिएट किया गया एक पिक्चर है, यानी क्या कह सकते हैं इसे हम? हाँ, इसको मैंने ब्यूटीफुल नहीं दिखाया है, वही मैं दिखा रही हूँ कि वुमन ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है, उसको अपने आप में जो भी शक्तियाँ है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए ब्यूटी जरूरी नहीं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन उसकी खूबसूरत सोच होनी चाहिए जरूरी है। ये मैं एक तस्वीर और दिखाऊं, यहाँ पे भी एक स्वरूप बनाया गया है। ये तस्वीरें हैं जो महिला दिवस पर खुद महिलाएं या तमाम वो कोशिशें हैं जो कहा जा सकता है कि शक्ति, माँ शक्ति या देवी रूप, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, और यही तस्वीर है जो तमाम चीज़ों को अलग दिखाती है और ख़ास बनाती है कि जो महिला दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, यही वजह है। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।